हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं राला मंडल इंदौर। ये राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर में स्थित है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, इसका अपहिल डाउनहिल ट्रैकिंग पूरी इंफॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। आप सामने देख रहे हैं बहुत सारे लोग गैदर हो रहे हैं। ये गैदर हो रहे हैं रनिंग के लिए। रनिंग इवेंट यहाँ होते रहते हैं, रनिंग इवेंट बहुत सारे यहाँ होते हैं और लोग पार्टिसिपेट करते हैं रनिंग में। अप हिल रनिंग, डाउन हिल रनिंग लोग करते हैं और साथ ही साथ ट्रैकिंग का भी आनंद लेते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। एक शॉर्ट ट्रैकिंग डेस्टिनेशन के लिए राला मंडल बहुत खूबसूरत जगह है। जो नेचर लवर्स हैं, जो नेचर एंथुसियास्टिक हैं, उनको भी ये बहुत भाता है। ये शॉर्ट ट्रैकिंग ट्रिप के लिए बहुत जाना जाता है। इसमें जो ट्रैक है, जो पूरा ट्रैक है, वो जाने का है 2.5 किलोमीटर अप एंड 2.5 किलोमीटर डाउन। तो 2.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई है जाने की। ऊपर मिलेगा एक म्यूजियम, ऊपर एक म्यूजियम है और अच्छा खासा स्पॉट बना हुआ है घूमने फिरने के लिए, फोटोग्राफी खींचने के लिए और पूरे वातावरण को निहारने के लिए। इंदौर का एक परफेक्ट व्यू ऊपर से दिखता है। तो 2.5 किलोमीटर ऊपर जाना और 2.5 किलोमीटर नीचे आना, ये टोटल 5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो ये शॉर्ट ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। स्टार्टिंग पॉइंट से अब तक तकरीबन मैं 100 मीटर चल चुका हूं और अब मैं आ गया हूं मेन रूट पे। ये राला मंडल ट्रैकिंग का मेन रूट है। आप वातावरण देख रहे हैं मॉर्निंग का, बहुत ही शुद्ध और बढ़िया ग्रीनरी वाला वातावरण है। मई का महीना है, बाकी कुछ दिनों पहले बारिश हो गई थी, इसलिए वातावरण बड़ा स्वच्छ है, साफ है। सनराइज का आनंद हम लेंगे, ऊपर सनराइज दिखेगा, बादल बड़े शानदार लग रहे हैं। अब ये देखिए आप, ये जाने का जो रूट है, इस रूट में 3 ट्रैकिंग स्पॉट है। ये लेफ्ट, कुछ लोग लेफ्ट में जा रहे हैं, वो मेन रूट है जहाँ से कंक्रीट का रोड बना हुआ है, जहाँ से गाड़ियाँ भी चलती है, सफारी भी होती है। और दूसरा है ये सामने वाला रास्ता, कुछ लोग सामने भी जा रहे हैं। तो सामने वाला जो रूट है वो एक ट्रिकी ट्रैकिंग स्पॉट है, वहां से भी लोग जाते हैं। ये देखिए, ये रास्ता आने का है, यहां से मैं आया हूं। बहुत सारे लोग आज आ रहे हैं क्योंकि रनिंग इवेंट है। अब ये देखिए कि राइट में जाने का रास्ता है और ये सामने जाने का रास्ता है, यहां 2 रास्ते आपको मिलेंगे। तो अपन सामने वाले सीधे रास्ते से भी जा रहे हैं, राइट वाले रास्ते से भी जाने का स्पॉट है, वहां पर भी ट्रैकिंग कर सकते हैं। वो भी ट्रैकिंग के लिए अच्छी जगह है, वो थोड़ा सा ट्रिकी कम है, बट ये जो रास्ता जहाँ हम जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है। तो हमने आज थोड़ा ट्रिकी रास्ता चुना है, यहाँ से ट्रैकिंग करने जा सकते हैं। जो लेफ्ट वाला रास्ता था, लेफ्ट वाला रास्ते में कंक्रीट की रोड है, वहाँ से सीधे रोड से होते हुए सीधा आप ऊपर जा सकते हैं। और सफारी की गाड़ी भी है यहाँ पे, अगर पैदल नहीं जाना चाहते हैं तो वो भी बुक करा के जा सकते हैं। जो ओपन जीप होती है 4x4, जो थार की ओपन जीप होती है, वो भी बुक करा के आप ऊपर जा सकते हैं। तो वो कॉन्क्रीट रोड से जाते हैं, बट हम ट्रैकिंग वाले रास्ते से जा रहे हैं। ये ट्रैकिंग वाला रूट है पूरा। राला मंडल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1989। इट हैज एन एंशियंट प्लेस बिल्ट बाय होलकर्स। होलकर फैमिली ने इसको बनाया था शिकार के लिए। इसका जनरली पहले नाम था शिकारगाह। वहाँ पे होलकर फैमिली, जो होलकर डायनेस्टी थी, वहाँ के जो राजा महाराजा थे, यहाँ पे शिकार करने आते थे। उन्होंने इसे बनाया था 1905 में। उसके बाद ये 1989 में डेवलप किया गया पीपल के लिए, आम जनता के लिए इसको 1989 में डेवलप किया था और इसे नाम दिया राला मंडल अभ्यारण्य। अभी जनरली यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। वाइल्ड लाइफ एनिमल आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेंगे। जो वाइल्ड लाइफ सीकर है, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल सीकर है, उनको शायद मजा ना है ये सुन के। लोग यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे कोई वाइल्ड लाइफ एनिमल दिखेगा यहाँ पे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरली ये सिर्फ एक ट्रैकिंग स्पॉट है, नेचुरल वातावरण में आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। गर्मी के टाइम पे मॉर्निंग में आइए और जो विंटर टाइम पे आप दोपहर में भी आ सकते हैं ट्रैकिंग के लिए। ऐसा मुझे यहाँ सुनने में आया है कि यहाँ पे रेस्ट हाउस भी है रुकने के लिए, बाकी कोई खास नहीं है। आप नीवी रुकना चाहें तो 5-6 किलोमीटर का ट्रैकिंग स्पॉट है,
ट्रैकिंग करके यहाँ का नेचुरल ब्यूटी को निहार के ऊपर टॉप पे जाके एक म्यूजियम भी बनाया है उसको देख के, और आसपास पूरा इंदौर को निहार के वापस भी आ सकते हैं। तो ऐसा रुकने जैसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जो ट्रैकिंग की दुनिया में नए हैं, जो न्यू ट्रैकर्स हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है। रास्ता वैसे ये है, इधर से चलते हैं। यहाँ से भी गए अपन लास्ट टाइम, याद हो तो चलो फिर आओ। चल बना मेरी वीडियो, आपकी वीडियो बनाओ। ये राजकुमार सर फुल टेंशन में, देख लो आप कवर में अकड़ लिया जाए क्या। वैसे पहले बहुत कम लोग आते थे यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए, बट अभी कुछ सालों में बहुत ज़्यादा लोग आने लग गए हैं। तकरीबन 2-3 लाख लोग सालाना यहाँ आ जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। आप यहाँ पे अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी आ सकते हैं और छोटी मोटी एक पिकनिक भी इंजॉय कर सकते हैं। लोग यहाँ पे सुबह आना ज़्यादा पसंद करते हैं, सुबह के लिए बेस्ट है। मेरे को आज तक एक भी वाइल्ड लाइफ एनिमल नहीं दिखा, इवन ए स्नेक, भाई एक छोटा सा सांप भी नहीं दिखा मेरे को आज तक। वाइल्ड लाइफ एनिमल के लिए पहले जाना जाता था, इसको जनरली राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, बट वाइल्ड लाइफ जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कोई आज तक एनिमल मेरे को नहीं दिखा यहाँ पे। लोग बोलते हैं कि यहाँ पे नील गाय, हिरण, छोटे मोटे एनिमल यहाँ आ जाते हैं, आते हैं, रात को आते होंगे वहाँ। उसके कुछ प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, आते हैं, बट कभी ऐसे लाइव तो देखने को नहीं मिले। और ना शेर वेर सांप, इवन सांप भी नहीं दिखा यहाँ पे। ट्रैकिंग कम से कम करने की कितनी बार कर ली है, बाकी कोई सांप भी नहीं दिखा यहाँ पे। तो जनरली वाइल्ड लाइफ सीकर्स जो हैं, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल के लिए आना चाहते हैं, वो ज़रूर इसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये अब एक ट्रैकिंग स्पॉट बन गया है। जो बिगिनर ट्रैकर्स हैं, जो ट्रैकिंग में भी नए नए हैं और ट्रैकिंग को सीखना चाहते हैं, उनको ये लुभाएगा, उनके लिए अच्छी जगह है। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक छोटी सी पिकनिक इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे आके। ऊपर जाके इंदौर का नज़ारा देख सकते हैं, इंदौर का खूबसूरत नज़ारा ऊपर दिखता है। इंदौर से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर ये पड़ता है, जो इंदौर में बंगाली चौराहा और पिपलियाना चौराहा है, वहाँ से तो काफ़ी पास पड़ता है। पिपलियाना चौराहा से जाना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि पिपलियाना चौराहा से थोड़ा आगे बढ़ेंगे अपन तो पिपलियाना का ब्रिज आएगा, उसके अंडर पास से निकलेंगे और राइट हैंड पे जाएंगे। राइट हैंड लेते हुए सीधा निकलेंगे आगे राला मंडल के लिए। राला मंडल का रास्ता आता है आगे, एक दो ब्रिज और आएंगे, वो क्रॉस करके राला मंडल आएगा, और राला मंडल के बाद शहनाई रेसिडेंसी का रूट भी आता है। तो उसके पहले ही एक छोटा सा कट है राला मंडल जाने के लिए। तो राला मंडल जाने का जो रास्ता आता है, उसमें 2-3 वाटरफॉल भी आते हैं आगे, अगर वाटरफॉल जाएंगे। मैं बताऊँगा आगे और कौन कौन सी यहाँ टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ आप जा सकते हैं। आइए ना प्लीज, एक सेकंड। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बेटा आगे, मेरा भी एजी पॉजिटिव। ये पथरीला रास्ता है, मानसून सीजन में तो ये बहुत चिकना हो जाता है, यहाँ पे मिट्टी पूरी गीली हो जाती है, चिकनाहट हो जाती है, तो आने जाने में ये रास्ता बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी बहुत मजा आता है एक शॉर्ट ट्रैकिंग करने में, बहुत ही आनंद मिलता है दोस्तों के साथ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट रूट ऑफ राला मंडल। ये राला मंडल का सबसे ट्रिकीएस्ट रूट है, जहाँ से मैं अभी ऊपर चढ़ रहा हूँ। ऊपर जाएंगे हम म्यूजियम तरफ, म्यूजियम की बिल्डिंग देखेंगे। बहुत ही टफ ट्रैक है ये, और यहाँ पे बहुत चांस होते हैं लोगों के गिरने के। नए नए जो ट्रैकर्स आते हैं वो अक्सर गिर जाते हैं यहाँ पे, और बारिश के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा चिकना हो जाता है ये रूट। बट क्या है कि नॉर्मल रूट से ज़्यादा तो ये टफ ट्रैक्स में जाने में ज़्यादा मज़ा आता है राला मंडल में। अभी सीधे टावर पे पहुँचेंगे हम लोग, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। अभी गर्मी का मौसम है, मई का महीना है, और थोड़ी सी सुबह ठंड अच्छी हो रही है। अभी 2-3 दिन पहले बारिश हो गई थी तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना इस टाइम पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी और ऊपर चढ़ रहे हैं हम, और ऊपर चढ़ेंगे और सीधे ऊपर टावर पे जाएंगे, जो वहाँ पे एग्जीबिशन हॉल है, जो बिल्डिंग बनी है वहाँ पे जाएंगे। पक्षियों की
और मोर की आवाजें आपको सुनने को मिलेगी यहाँ पे। अभी आधी चढ़ाई हुई है और आप यहाँ का माहौल देखेंगे, इंदौर सिटी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। सामने है एम्पायर स्टेट टाउनशिप, अभी सनराइज हो गया है तो उसका बहुत ही मनमोहक नज़ारा आपको दिखेगा। यार आप लोग जल्दी चढ़ गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ब्लॉग बना रहे? हाँ मैं ब्लॉग बनाता ही हूँ। क्या पेज है? मेरा बिहाइंड द लेंस के नाम से है यहाँ पे यूट्यूब के। राधा मंडल के एक्चुअली 4-5 वीडियो है हमारे बिहाइंड द लेंस ब्लॉग। चलो भाई आगे चलते हैं, आधा ट्रैक हो गया है अपना, अब इससे और आगे चलते हैं। ये देखिए ये नील गाय की पट्टी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। गाय हिरण और ये सब भ्रमण करते हैं, चरने आते हैं, तो ये आप इनकी पट्टी देख रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा जाता है कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल भी आते हैं, हिरण भी आते हैं, बारहसिंगा भी आता है, नील गाय भी आती है। यहाँ पे जनरली शेर भी आते हैं, लेपर्ड भी आ चुके हैं। तो ये आ गया, ये ट्रैक का रास्ते पे आ गए हैं अपन। यहाँ से ट्रैकिंग नॉर्मल जो रूट है वो चालू हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे बहुत ही शानदार ट्रैकिंग स्पॉट है ये राला मंडल का। पर यहाँ पे लोग गंदगी बहुत कर देते हैं, बहुत सारे पाउचेस मिले हैं यहाँ पे, गुटके के पाउच मिले हैं। देखो एक पाउच और है, ओ माय गॉड, ये कॉन्डोम का पैकेट है, कॉन्डोम का पाउच। देखो यहाँ पे भी नहीं, लोग ने छोड़ा है इस बढ़िया से खूबसूरत से स्पॉट को, लोग यहाँ पे भी नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पे भी लोग अपनी हवस पूरी करने आ जाते हैं अपने पार्टनर के साथ और ये गंदगी करते हैं। ये देखिए ये एक कंपनी का कॉन्डोम का पैकेट मिला है यहाँ पे। लोग अक्सर यहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए भी आते हैं, बट कोई बात नहीं, जगह बहुत खूबसूरत है। अब थोड़ा सा फास्ट निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है और सांप भी होते हैं। बहुत टफ ट्रैक ले लिया हमने, अब ये नॉर्मल ट्रैक पे आ गए हैं, ये नॉर्मल वॉकिंग ट्रैक है, ये नॉर्मल वॉकिंग ट्रैक पे आ गया हूँ मैं, यहाँ से नॉर्मल वॉकिंग ट्रैक। हाय, ये रिंकी भी आई है आज रनिंग करने के लिए। और रिंकी मैडम कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या वापस जा रहे हो या आ रहे हो? जा रहे हैं। तो चलो आप, चलो आप, चलो मैं आती हूं। आओ, ऑल द बेस्ट। रनर्स को काफी मजा आ रहा होगा, जो रनर्स हैं यहाँ पे रनिंग इवेंट हो रहा है, तो रनर्स अप हिल डाउन हिल रनिंग कर रहे हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा होगा क्योंकि रनिंग के लिए ये बड़ी उम्दा जगह है यार। मुझे आप ये ऊपर पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी पे अपने को चढ़ना है। आज इंदौर सुपर चार्जर्स ग्रुप का रनिंग इवेंट है, इसलिए बहुत सारे रनर्स यहाँ पे रनिंग करते हुए दिखेंगे आपको। आप ये देखेंगे पीछे बहुत सारे रनर्स रनिंग करते हुए जा रहे हैं, तो रनर्स के लिए भी बहुत ही उम्दा जगह है ये, बहुत सारे रनर्स रेगुलर आते हैं रनिंग करने के लिए। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं।
यहाँ पे एलिवेशंस बहुत मिलते हैं, चढ़ाई काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। वैसे साइकिलिंग को भी अलाउ करना चाहिए यहाँ पे, यहाँ के मैनेजमेंट को साइकिलिंग अलाउ कर देना चाहिए ट्रैकिंग करने के लिए, साइकिल से भी आ जा सकें। बड़ा उम्दा लगेगा क्योंकि ये एक कॉन्क्रीट रोड है, ये कॉन्क्रीट रूट है जहाँ से इजीली जाया जा सकता है और अधिकतर लोग यहीं से जाते हैं। ये देखिए सावधान अंधा मोड़ है और ये शिकारगाह है, यहाँ पे जैकल सियार भी आते हैं हंटिंग के लिए, हिरण भी आते हैं, नील गाय भी आती है और बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल भी यहाँ पे होते हैं। आज काफ़ी लोग आए हैं राला मंडल में ट्रैकिंग के लिए क्योंकि एक रनिंग इवेंट है, इसलिए नाइस सर। ऑल द बेस्ट सर। अब आपको मैं लेफ्ट साइड का व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए ये इंदौर पूरा यहाँ से नज़र आता है। नाइस सर। हेलो सर, मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं। हेलो सर, सुभाष सर आ गए हैं। सुभाष सर हमारे रनर्स आइकॉन फोटोग्राफर अभी की पोजीशन में, अरे अभी की पोजीशन में फोटोग्राफर है, बाकी ये एक इंस्पिरेशनल पर्सन है, इनके साथ मेरे बहुत सारी मैराथन में कदम ताल किए हुए हैं। आपको सर याद होगा 2020 की फुल मैराथन अपन ने मैराथन करी थी अपन ने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसी पोजीशन पे बैठा हूँ ताकि क्या कैमरा देख के कम से कम दौड़ सके। हाँ ये बात तो है कि वो एंथुसियाज्म हो जाता है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट थोड़ा पीछे चले, थोड़ा पीछे जरा साथ में, और पीछे थोड़ा पास में, यस ओके देख लेता हूँ फिर रनिंग ये शुरू फर्स्ट। हमारा इंदौर शहर फिटनेस कैपिटल है, या फिटनेस फिटेस्ट लोग बहुत मिलेंगे आपको, रनिंग साइकिलिंग स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव हैं लोग यहाँ पे इंदौर में। सुबह सुबह यार ट्रैकिंग करने का आनंद ही कुछ और है यार, और वो भी राला मंडल में। राला मंडल मिल जाए ट्रैकिंग करने के लिए, रनिंग करने के लिए, तो एक रनर्स के लिए तो वो एक बहुत बड़ी ट्रीट होती है, एक बहुत बड़ा वरदान है ये इंदौर के लिए अपना राला मंडल। राला मंडल को तकरीबन मैं 10 से 20 बार ट्रैक कर चुका हूँ और 2-3 ब्लॉग भी बनाए हुए हैं इस पर, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर डालूँगा, आप ज़रूर राला मंडल को देखें और यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आएँ। भाई फाइनली राला मंडल की चढ़ाई चढ़ रही है, ये ऊपर जो आप रेड बिल्डिंग देख रहे हैं ये म्यूज़ियम है, यहाँ का अंदर बहुत शानदार म्यूज़ियम बना हुआ है, तो ज़रूर इसको विज़िट करें। नाइस सर, आज बहुत मोटिवेशन मिल रहा है यार, इतने सारे रनर्स इंदौर की साइकिलिंग रनिंग फ्रेटर्निटी के सब मौजूद हैं यहाँ पे और बड़ा ही शानदार नज़ारा। जिस म्यूजियम की चर्चा मैं अभी वीडियो में बहुत बार कर रहा हूँ, ये वो म्यूजियम है। सामने आप जो टावर देख रहे हैं ये म्यूजियम है, अंदर होलकर डायनेस्टी के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि ये जो राला मंडल स्पॉट है उन्होंने बनवाया था, होलकर के राजा महाराजाओं ने इसे शिकार गाह नाम दिया था, तो ये हंटिंग हट है और यहाँ पे उनकी गैलरी है, एग्जीबिशन है, यहाँ पे उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी कि होलकर फैमिली की जनरेशंस को जानने को मिलेगा, फोटोग्राफ्स मिलेंगे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अंदर 10 रुपये का एंट्री टिकट होता है, तो अंदर ज़रूर जाके
होलकर डायनेस्टी, होलकर साम्राज्य के बारे में आप जाने। ये पूरा हमारा रनर्स ग्रुप है, रनिंग करने यहाँ लोग आते हैं। ये हमारे एडी भाई, एडी भाई, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग? दिल बाहर आ गया, दिल बाहर आ गया। बट टफ ट्रैक है वैसे राधा मंडल का। मुझे मारोगे क्या एक और राउंड? हेलो, अपना नेता कैसा हो? एडी सर कैसा हो? अपना नेता कैसा हो? आज तो एडी सर जैसे ही हो। अब उतर के नीचे जाएंगे वापस जहाँ से आए थे, और वहां से होते हुए सीधे घर निकलेंगे। अरे क्या बात है। सो गाइस, दिस इज राला मंडल। राला मंडल का डाउन हिल कर रहा हूँ मैं, और जरूर राला मंडल आके ट्रैकिंग करें, रनिंग करें, और यहाँ की वादियों का आनंद लें। क्या बात है। अरे अरे, धवन जी के जलवे, धवन जी के जलवे, क्या बात है। अरे लेट आ गए अब तो, ये रोकने वाली जगह पे रोक दी उसको। भैया राला मंडल में एडी भाई। सर राला मंडल में हम लोग आए हैं सभी लोग, और आप सबको आना चाहिए। वीक में एक बार संडे अपनी फैमिली के साथ सुबह 6 बजे राला मंडल खुल जाता है, आप जरूर आए, पधारे। सुबह 6 बजे आए भैया, दोपहर में तो गर्मी हो जाती है। जानवर भी नहीं मिलते हमारे जैसे। अपने जैसे जानवर, अपने जैसे जानवर भी 6 बजे मिलेंगे सुबह। ये ठाकुर कितने आदमी थे? आदमी तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो नहीं है। बोलो भाई। मिले सुर मेरा तुम्हारा, सुर बने हमारा, सुर की नदिया हर दिशा से सागर जाके मिले। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। आप अगर फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो आपके लिए तो बड़ी उम्दा जगह है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्पॉट हैं जहाँ पे फोटोग्राफी नेक्स्ट लेवल की होती है। नेक्स्ट लेवल की फोटोग्राफी के लिए तो राला मंडल बेस्ट है। ये हमारे एडी भाई टेरी पे एकदम मस्ती करते हुए, रनिंग के बाद आराम कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये प्रगति झूला मेरे को बहुत पसंद आ रहा है। वाह यार। So guys, ये राला मंडल का रोड है, यहाँ से अपन तीसा फॉल जा सकते हैं। ये तीसा फॉल जाने वाला रास्ता है, और पीछे राला मंडल है। तो आप जरूर यहाँ पे आएँ, अपना इंदौर बाईपास जो लगता है वहाँ से राला मंडल की रास्ता निकलता है, और राला मंडल के आगे तीसा फॉल भी आप जा सकते हैं। आगे मोहाडी वाटरफॉल भी है,